करें स्टार्ट। अब आप ये बताइए कि कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी यूनिट के बारे में डिस्कस कर लिया, और आपको हमने थोड़ा सा बताया था चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है और चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और उनकी डेफिनेशंस क्या क्या है। ठीक है, हमने बात की थी चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी की। क्या होती है चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके यूनिट्स वगैरह के बारे में हमने आपको बताया था। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। लिखिए आप लोग अपनी कॉपी के अंदर सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है बेटा आपके पास में। चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके। यह है चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लिखिए आप लोग इसके अंदर, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज acquired by any body, according to quantization of charge, charge acquired by any body, charge acquired by any body is the integral multiple of फंडामेंटल चार्ज। चार्ज एक्वायर्ड बाय एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, और आप इसके अंदर लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q is equal to plus minus NE, okay? Where Q is a charge, जहां पर Q है बेटा charge, capital N है number of electron, okay? और small e है हमारे पास में charge of electron जिसकी value है ये 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। लिख लो पहले आप लोग, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, लिख लिया सभी लोगों ने। अब आप समझिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। देखो, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो रहेगा, चाहे बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उस चार्ज की वैल्यू रहेगी इतनी प्लस माइनस के एन ई। यहां एन को हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्मॉल ई है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो कंसेप्ट है वो हमें छोटी सी बहुत मामूली सी एक बात बताकर जाता है कि भैया कि ये जो कैपिटल एन रहेगा यहाँ, ये हमेशा इंटीजर रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। यानी एन की जो वैल्यू रहने वाली है वो हमेशा इंटीजर रहने वाली है। जैसे आपके सामने कहीं लिखा हुआ आया, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कहीं लिखा हुआ आया Q इज इक्वल टू प्लस टेन ई। अब मेरी बात को ध्यान से आप समझिएगा बेटा, प्लस का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, अब बताइए E के सामने, यानी E का जो कॉफिशियंट है वो क्या है आपके सामने? 10। बोलिए 10 है या नहीं है? स्मॉल E के सामने जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? 10। अब बताइए 10 पूरा एक इंटीजर है या नहीं है? समझ में आ रही बात? और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग स्मॉल e के सामने जो वैल्यू लिखी हुई होनी चाहिए, ये पूरी वैल्यू जिस पर मैंने सर्किल बनाया है, ये पूरा इंटीजर होना चाहिए, कभी भी पॉइंट में नहीं होना चाहिए और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब आप समझिए, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, समझ में आ रही बात? 10 का मतलब है कि यहां 10 इलेक्ट्रॉन की कमी है। प्लस 10 e का मतलब यह है कि जिस बॉडी पर भी इतना चार्ज रहा होगा उस बॉडी पर 10 इलेक्ट्रॉन की कमी रही होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी रही होगी? 10 इलेक्ट्रॉन की कमी रही होगी। मैंने आपके सामने लिख दिया Q इज इक्वल टू प्लस
40e। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो चार्ज की वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, ये चार्ज पॉसिबल होगा या नहीं होगा? आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है, और पॉसिबल होने या ना होने के लिए आपको स्मॉल ई के सामने देखना है। स्मॉल ई के सामने अगर इंटीजर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये चार्ज पॉसिबल है, और अगर इंटीजर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब बताइए स्मॉल ई के सामने क्या लिखा हुआ है? 40। अब बताइए 40 इंटीजर होता है नहीं होता है? अरे इंटीजर का मतलब तो समझते ही होंगे, कंप्लीट वैल्यू लिखी हुई होनी चाहिए। अब 40 पूरा एक इंटीजर है, इसका मतलब है कि ये चार्ज पॉसिबल है। अब ठीक है, ये तो पता चल गया कि पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है। अब अगर ये पॉसिबल है तो इसका मीनिंग क्या है, इस चार्ज का मीनिंग क्या है? बेटा पॉजिटिव का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? पॉजिटिव का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 40, यानी 40 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जिस बॉडी पर इतना चार्ज रहा होगा, हम कहेंगे कि उस बॉडी पर 40 इलेक्ट्रॉन की कमी रही होगी। प्लस 40e का मतलब यह है कि जिस बॉडी पर भी इतना चार्ज रहा होगा, उस बॉडी पर 40 इलेक्ट्रॉन की कमी रही होगी। बताइए समझ आया नहीं आया? अब जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ आया क्यू इज इक्वल टू माइनस के 5e, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। श्रेया पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि स्मॉल ई के सामने इंटीजर लिखा हुआ है। बेटा इंटीजर है या नहीं है? 5 तो एक इंटीजर होता है। समझ में आ रही बात? नेगेटिव का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है, एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा है। नॉर्मल कंडीशन से यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यही हमारा माइनस के 5e रिप्रेजेंट करता है। तो पहली बात तो यह कि ये चार्ज बिल्कुल पॉसिबल होगा, और इस चार्ज का मीनिंग यह है कि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब मैंने आपके सामने ये लिखा Q इज इक्वल टू माइनस 2.5e, ठीक है? बात समझ में आ रही है? उमंग बताइए इसका मतलब क्या है। नेगेटिव का मतलब क्या है? एक्सेस। नेगेटिव का मतलब है एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा, यानी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। लेकिन मुझे ये बताइए स्मॉल e के सामने क्या लिखा हुआ है? 2.5। क्या 2.5 इंटीजर होता है? 2.5 इंटीजर होता है? अरे यार ये तो एक बहुत बेसिक बात है, 6th-7th क्लास का स्टूडेंट इस बात को समझता है कि स्मॉल e के सामने 2.5 लिखा हुआ है। 2.5 एक इंटीजर नहीं है, ये तो डेसिमल में है ना, डेसिमल में, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। बताइए समझ आया नहीं आया? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सीधा सीधा कंसेप्ट बेटा ये है कि प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी है, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? एन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। स्मॉल ई का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये जो कैपिटल एन है ये हमेशा काहे में होना चाहिए, ये हमेशा इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यही हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। बताइए आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अब जब भी मैं कहीं ऐसा चार्ज लिखूंगा आप तुरंत से समझ जाएंगे कि भाई क्या मतलब है इसका। ठीक है, अब धीरे धीरे करके हम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये नोट कर लिया है आप लोगों ने क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस के एनी। ठीक, अब देखो बेटा, मान लीजिए कि मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा Q इज इक्वल टू प्लस 2×10⁻⁷ कूलम्ब। ठीक है, ये लिखा मैंने आपके सामने, और मैंने आपसे पूछा कि बताइए ये चार्ज पॉसिबल होगा या नहीं होगा। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे पूछा है कि बताइए कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, इज इट पॉसिबल और नॉट। ठीक है, ये पॉसिबल है या नहीं है? आप कहोगे कि भाई चार्ज की वैल्यू को देखकर हम कभी भी ये नहीं बता सकते हैं कि ये चार्ज पॉसिबल होगा या नहीं होगा। समझ में आ रही बात? चार्ज की वैल्यू को देखकर आप कभी नहीं बता सकते कि ये चार्ज पॉसिबल होगा या नहीं होगा। आपको पॉसिबल या ना पॉसिबल बताने के लिए कैपिटल एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़ेंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए इंटीजर, इसका मतलब है कि चार्ज पॉसिबल है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए डेसिमल में, इसका मतलब है कि चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का जो रूल है वो ये है Q इज इक्वल टू एन ई। क्वांटाइजेशन का जो रूल है वो ये है Q इज इक्वल टू एन ई। समझ में आ रही बात? Q की वैल्यू हमारे पास में है, स्मॉल e की वैल्यू हम जानते हैं 1.6×10⁻¹⁹। हमें n निकालना है। क्या निकालना है? n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए हम n निकालते हैं यहां से।
एन की वैल्यू हमारे पास में आएगी क्यू अपॉन ई, ये आ गई हमारे पास में। अब बताइए चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास में, चार्ज है 2 × 10⁻⁷ और साथ में है 1/e, बोलिए है या नहीं है 1/e। अब देखो वैसे तो स्मॉल e की जो वैल्यू है हमारे पास में वो इतनी होती है, खाली स्मॉल e की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है हमारे पास में, ठीक है, लेकिन हमें स्मॉल e नहीं चाहिए, हमें 1/e चाहिए। क्या चाहिए? अब ये जो 1/e आप लोगों को दिख रहा है आगे से याद रखिएगा, 1/e की वैल्यू इतनी होगी 6.25 × 10⁸। जब आप 1 के अपॉन में e को रख के सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके सामने निकल कर आएगी 6.25 × 10⁸। आइए वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यहाँ है बेटा हमारे पास में 2 × 10⁻⁷। क्लियर हुआ? कोई परेशानी है तो बताइए। 1/e को बताइए मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/e को लिख सकते हैं 6.25 × 10⁻⁸। बोलिए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यहाँ है 6.25 और यह है 2 हमारे पास में, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये बनेगा 12.5, यह है 10⁻⁷, यहाँ है -7 और ये +18 है ये -7 है, सो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, हम एक काम करते हैं इस डेसिमल को भी यहाँ से हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे डेसिमल को, अभी 10⁻⁷ है, अरे है भाई नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन तो यार जानते ही होंगे, 10⁻⁷ है, मैंने एक 10 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी तो ये बन गया 125 × 10⁻⁰। अब मुझे ये बताइए n की वैल्यू मैंने ये निकाल दी है, जो मैंने n की वैल्यू कैलकुलेट की है, जो मैंने n की वैल्यू आपके सामने निकाली है, क्या उस वैल्यू में कहीं डेसिमल दिख रहा है आपको, कहीं डेसिमल दिख रहा है आपको? ये बताइए पूरा इंटीजर है या नहीं है? ये तो हो गया 125 × 10⁻⁰, 10⁻⁰ का मतलब क्या है 125 और इसके सामने 10 जीरो और है नहीं 10 जीरो और, बहुत बड़ा नंबर निकल कर आएगा, आएगा ना बहुत बड़ा नंबर, और पूरा नंबर इंटीजर है, पूरा नंबर पॉइंट में नहीं है, पूरा नंबर डेसिमल में नहीं है, पूरा नंबर फ्रैक्शन में नहीं है। तो बताइए ये चार्ज पॉसिबल हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल ये चार्ज पॉसिबल है, क्योंकि n की वैल्यू मेरी डेसिमल में नहीं निकल कर आई है, n की वैल्यू मेरी इंटीजर में निकल कर आई है। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आपको ये बताना हो कि कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा और कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, इसके लिए आपको कैपिटल n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अगर कैपिटल n आ गया आपका डेसिमल में, इसका मतलब है कि चार्ज पॉसिबल नहीं है, और अगर कैपिटल n आपका इंटीजर आ गया तो इसका मतलब यह है कि चार्ज आपका पॉसिबल है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब आप लिखिए अपनी कॉपी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, जहां आपने डेफिनेशन लिखी है उसी के नीचे आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, ये चार्ज की वैल्यू लिखेंगे 2 × 10⁻⁷, इज इट पॉसिबल और नॉट। तो n की वैल्यू हमारी इंटीजर निकल कर आई है, अनमोल बात समझ आ रही है, n की वैल्यू कैसे निकल कर आई है, तो इसीलिए चार्ज बताओ पॉसिबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल पॉसिबल होगा, ये चार्ज हमारा पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, ओके, ये पॉसिबल है, इतना चार्ज हो सकता है। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, तो ये हो गया बेटा हमारे पास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग ये जो q इज इक्वल टू एन ई है, ये n हमेशा क्या रहने वाला है आप लोगों का, इंटीजर रहने वाला है, और जहां ये n इंटीजर नहीं होगा वहां ये क्वांटाइजेशन का जो रूल है वो फेल हो जाएगा हमारा। समझ आ गई बात? ओके,
अब आप इस क्वेश्चन के नीचे हेडिंग लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लिमिटेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लिमिटेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लिमिटेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके देखो बेटा, अब हमारी बात सुनिए आप ध्यान से। आप हमें एक बात बताइए कि अगर हम बात करते हैं, जैसे हम लोग नाइन्थ स्टैंडर्ड पे बात करते थे कि भैया कोई भी सब्सटेंस है वो बना होगा मॉलिक्यूल से मिलकर सब्सटेंस बनता है हमारा। मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं एटम्स, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, इतना बेसिक सब लोग जानते हैं। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। समझ में आ रही बात? इतना अभी तक की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। अब जैसे हम 12th स्टैंडर्ड में आ गए हैं तो लेवल हमारा राइज हो गया है, अब हमें कम से कम इतना जानना चाहिए, हमें ये तो पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन किस चीज से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है। हम ये तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा नेगेटिव पार्टिकल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है ये बिल्कुल हम लोग नहीं जानते हैं। समझ में आ रही बात? अब समय आ गया है कि हम जाने कि इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन के अंदर क्या होता है और न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है। यही हमारी क्वांटाइजेशन की लिमिटेशन है। आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब देखो बेटा, होता क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ एलिमेंट्री लेयर से मिलकर बने होते हैं, समझ में आ रही बात? कुछ लेयर्स होती हैं जिन लेयर से मिलकर इलेक्ट्रॉन बनता है, प्रोटॉन बनता है और न्यूट्रॉन बनता है, उन लेयर को हम लोग बोलते हैं क्वार्क। क्या बोलते हैं? अब क्वार्क होती है बेटा हमारे पास में टू टाइप्स की, ध्यान से, क्वार्क हमारे पास में टू टाइप्स की होती है। एक वो क्वार्क होती है जिनके ऊपर होता है इतना चार्ज, देखो ध्यान देंगे आप लोग, एक वो क्वार्क होती है जिनके ऊपर होता है इतना चार्ज प्लस 2/3 × e, एक वो क्वार्क जिसके ऊपर इतना चार्ज होता है और एक वो क्वार्क जिसके ऊपर होता है इतना चार्ज। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्वांटाइजेशन की लिमिटेशन बता देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? अभी हमने जस्ट क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल पढ़ा। क्या है क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल? Q = ne, बताइए है या नहीं है? ये n बताइए यहां पर क्या है, इंटीजर है या नहीं है? अब मुझे ये बताइए, जब मैं इलेक्ट्रॉन के भी अंदर पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन के अंदर पहुंच गए हम लोग, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है उसके भी अंदर पहुंच गए हम लोग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत छोटे होते हैं उनके भी अंदर पहुंच गए हम लोग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर क्या मिलते हैं हम लोगों को, क्वार्क। एक क्वार्क का चार्ज इतना है और एक क्वार्क का चार्ज इतना है। रूल के मुताबिक स्मॉल ई के सामने ये जो एन है ये इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन ये बताइए, क्या ये 2/3 इंटीजर है? क्या ये 2/3 इंटीजर है? 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.67 आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा? डेसिमल का नंबर आएगा। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.33 आएगा। बताइए आएगा या नहीं आएगा? तो इसका मतलब ये है कि जब हम बहुत छोटे लेवल पर पहुंच जाते हैं, एट वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल, जब बहुत छोटे लेवल पर हम लोग पहुंच जाते हैं, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल माने बहुत छोटा लेवल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी अंदर पहुंच गए आप लोग। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर पहुंचकर ये जो क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल है जो हम लोग पढ़ रहे थे Q = ne, ये हमारा वहां जाकर हो जाता है फेल, क्योंकि इस रूल के मुताबिक n होना चाहिए इंटीजर, और यहां आप देख रहे हैं कि जो स्मॉल e का कॉफिशेंट है वो इंटीजर नहीं है। दिख रहा है आप लोगों को? अनमोल बात समझ में आ रही है? बताइए स्मॉल e के सामने क्या लिखा है, स्मॉल ई के सामने क्या लिखा हुआ है? 2/3। क्या 2/3 इंटीजर होता है? नहीं होता है ना। क्या 1/3 इंटीजर होता है? नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर पहुंचकर क्वांटाइजेशन का रूल काम करेगा? बिल्कुल काम नहीं करेगा। प्रोटॉन के अंदर पहुंचकर काम करेगा? नहीं करेगा। यानी क्वार्क लेवल पर, कौन से लेवल पर? क्वार्क लेवल पर क्वांटाइजेशन का रूल हमारा पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। तो लिमिटेशन तो बेटा हो गई ये एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, अभी लिखना नहीं है, अभी नहीं लिखना है, मैं खुद से लिखवाऊंगा, पहले सुन रहे हैं आप पूरी बात को,
एट माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी बहुत छोटे लेवल पर जो क्वांटाइजेशन का रोल है वो हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा और जानते हैं हम इसके बारे में। चलिए, हमने लिमिटेशन तो बता दी कि भाई लिमिटेशन है क्या। ओके, अब जिस क्वार्क के ऊपर इतना चार्ज होता है बेटा, जिस क्वार्क के ऊपर इतना चार्ज होता है उस क्वार्क को हम नाम देते हैं अप क्वार्क। क्या नाम देते हैं? अप क्वार्क। बात समझ में आ रही है? रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से। एक और नाम होता है इसका, या हम उसे बोलते हैं टॉप क्वार्क। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। बात समझ में आ रही है? या हम उसे बोलते हैं चार्म क्वार्क। ध्यान से, चार्म क्वार्क, उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से। ठीक है, जिस क्वार्क के ऊपर इतना चार्ज होगा उसके तीन नाम है हमारे पास में। एक नाम क्या है? अप क्वार्क। दूसरा नाम क्या है? टॉप क्वार्क। या तीसरा नाम क्या है? चार्म क्वार्क। तीनों में से कोई भी नाम हम इसे दे सकते हैं। जर्नली जो हम इसे नाम देते हैं वो अप क्वार्क नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मतलब जो इसका ज्यादा प्रचलित नाम है, जो ज्यादा पॉपुलैरिटी में है, जो ज्यादा यूज में लाया जाता है, वो अप क्वार्क है। टॉप क्वार्क और चार्म क्वार्क कम पड़ते हैं, बहुत ज्यादा नहीं जाना जाता है इसके बारे में। ठीक है, बताइए समझ आ गई क्या आप लोगों को? ओके, जिस क्वार्क के ऊपर होता है बेटा इतना चार्ज, ये वाला चार्ज दिख रहा है आप लोगों को, उस क्वार्क को हम बोलते हैं डाउन क्वार्क। क्या बोलते हैं? डाउन क्वार्क। या उस क्वार्क को हम बोलते हैं बॉटम क्वार्क। बॉटम क्वार्क। या फाइनली उस क्वार्क को हम बोलते हैं स्ट्रेंज क्वार्क। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंज क्वार्क। रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से, या रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। बताइए आप लोगों को समझ आया नहीं आया? पहले तो आप मुझे ये बताइए क्वांटाइजेशन का जो रूल है वो कहाँ जाकर फेल हो जाएगा। पार्थ आप बताइए कहाँ जाकर फेल हो जाएगा? नहीं, लिमिटेशन क्या है उसकी, कौन से लेवल पर जाकर फेल हो जाता है? एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर पहुंचकर क्वांटाइजेशन का रूल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्वार्क लेवल पर पहुंचकर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कितने टाइप के क्वार्क हैं आपके पास में? दो। एक वो क्वार्क जिसके ऊपर इतना चार्ज रहता है उसके तीन नाम है, एक वो क्वार्क जिसके ऊपर इतना चार्ज रहता है उसके तीन नाम है। बताइए आप लोगों को समझ आया या नहीं आया? ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास में यह आता है, जैसे कि बेटा नाम सुना है सभी ने इलेक्ट्रॉन का? नाम सुना है? इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस ई। कितनी होती है? और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तीन क्वार्क से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन थ्री क्वार्क्स, थ्री लेयर से मिलकर बना होता है। तो आपको बताना है कि उन लेयर का फॉर्मेशन क्या है जिनसे मिलकर इलेक्ट्रॉन बना है, यानी तीन लेयर को जोड़कर इतना चार्ज आना चाहिए आप लोगों को, ऐसा देखना है। अच्छा, आप लोगों को यूज करना है अप क्वार्क का और डाउन क्वार्क का। मैंने आपसे कहा ना 99% जिस क्वार्क का यूज करते हैं उसका नाम क्या है? अप। और उधर क्या नाम है? इन दोनों का नाम यूज में नहीं आता है। मैंने आपको बता तो दिया आपकी जानकारी के लिए, इन दोनों का यूज नहीं आता है। हम अप का यूज करते हैं या डाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तीन लेयर को जोड़कर हमें इतना चार्ज लेकर आना है। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लगाई बेटा डाउन क्वार्क। कौन सी क्वार्क? फिर हमने कौन सी क्वार्क लगाई? फिर हमने डाउन क्वार्क लगाई। तीन लेयर है, तीनों हमने डाउन लगा दी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब आप मुझे ये बताइए डाउन क्वार्क का चार्ज बताइए कितना होता है? माइनस के 1/3 e। बताइए होता है या नहीं होता है? अगेन डाउन क्वार्क का चार्ज कितना होता है? माइनस के 1/3 e। अगेन डाउन क्वार्क का चार्ज कितना होता है? माइनस के 1/3 e। समझ आया? एलसीएम बताइए कितना आने वाला है, जल्दी बताइए। 3 आएगा एलसीएम। 3 माइनस ई, माइनस ई और माइनस ई, क्या बन गया? कैंसिल आउट। आंसर बताइए क्या बना? बताओ माइनस ई आया या नहीं आया? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी क्वार्क से मिलकर बना है? तीन। कौन कौन सी है वो क्वार्क? डी डी डी, यानी इलेक्ट्रॉन की जो फॉर्मेशन है वो ये है, डी डी डी। ये इलेक्ट्रॉन की क्वार्क फॉर्मेशन है। इलेक्ट्रॉन तीन क्वार्क से मिलकर बना है और उनकी वैल्यू है डी डी डी। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? क्वांटाइजेशन की जो लिमिटेशन है वो आप लोग समझ गए? कहां जाकर क्वांटाइजेशन का रूल फेल हो जाएगा? बहुत छोटे लेवल पर पहुंचकर। और उस बहुत छोटे लेवल का नाम क्या है? क्वार्क लेवल। कौन सा लेवल? कितने टाइप की क्वार्क होती हैं?
एक पर जिस पर इतना चार्ज होता है और एक पर जिस पर इतना चार्ज होता है। जिस पर इतना चार्ज होगा उसका नाम क्या है? अप क्वार्क। और जिस पर इतना चार्ज होगा उसका नाम क्या है? हमने इलेक्ट्रॉन तीन क्वार्क से मिलकर बना है और वो फॉर्मेशन है अपने पास में डी डी डी। क्लियर हो गई बात? एक और एग्जाम्पल हम लोग इसके अंदर देखते हैं। देखो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास में आया वो है बेटा प्रोटोन। प्रोटोन पर जो चार्ज होता है वो इतना चार्ज है प्लस ई। प्रोटोन पर इतना चार्ज है प्लस ई। बात समझ में आ रही है? और आप लोगों से ये कहा गया कि प्रोटोन भी तीन क्वार्क से मिलकर बना है, ये थ्री क्वार्क से मिलकर प्रोटोन बना है। तो आपको बताना है कि प्रोटोन की फॉर्मेशन क्या है, प्रोटोन की फॉर्मेशन क्या है। देखो प्रोटोन में हमने सबसे पहले लगाई अप क्वार्क। कौन सी क्वार्क? फिर हम लोगों ने लगाई अप क्वार्क और फिर हम लोगों ने लगाई डाउन क्वार्क। एक बार चेक कर लेते हैं जरा, ठीक है? सबसे पहले बताइए कौन सी क्वार्क हमने लगाई है? अप क्वार्क। श्रेया बताओ अप क्वार्क के ऊपर कितना चार्ज है? प्लस 2/3 इंटू ई। क्लियर? यस और नो? ओके, अगेन अप क्वार्क के ऊपर कितना चार्ज है? प्लस 2/3 इंटू ई। लास्ट डाउन क्वार्क के ऊपर कितना चार्ज है? माइनस के 1/3 इंटू ई। बोलिए है या नहीं है? एलसीएम बताइए क्या आएगा? 3। ऊपर क्या बनेगा हमारे पास में? 2e और 2e, 4e, 4e और माइनस ई प्लस 3e, कैंसिल आउट। आंसर बताइए कितना बना हमारे पास में? बताओ प्लस ई बन गया या नहीं बन गया? इसका मतलब प्रोटोन कितनी क्वार्क से मिलकर बना है? तीन। कौन कौन सी है वो तीन क्वार्क? अप डाउन। प्रोटोन तीन क्वार्क से मिलकर बना है और वो फॉर्मेशन है हमारे पास में यू यू डी। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फाइनली हम लास्ट पार्टिकल पर आते हैं बेटा, और लास्ट पार्टिकल है हमारे पास में न्यूट्रॉन। क्या है बेटा? तुम में से कोई जानता है न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? जीरो। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन पूरी तरीके से न्यूट्रल है। बोलिए समझ आया नहीं आया? और हमने ये कहा कि न्यूट्रॉन भी तीन लेयर से मिलकर बना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। समझ में आ रही बात? आपको तीन लेयर को इस तरीके से जोड़ना है, इस तरीके से ऐड करना है कि फाइनल आंसर जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अब देखो कौन कौन सी क्वार्क हम यहां लगाने वाले हैं। सबसे पहले हमने लगाई अप क्वार्क। कौन सी क्वार्क? फिर हम लोगों ने लगाई बेटा डाउन क्वार्क। कौन सी क्वार्क है? और फिर हम लोगों ने लगाई डाउन क्वार्क। अब ऐसा नहीं है कि ये अप क्वार्क सबसे ऊपर ही आएगी, कहीं भी आ सकती है। मतलब ये है कि एक अप होगी और दो डाउन होगी, ठीक है? जरा फाइनल आंसर चेक करते हैं क्या होगा। बताइए अप क्वार्क के ऊपर कितना चार्ज होगा? प्लस 2/3 e। डाउन क्वार्क के ऊपर माइनस 1/3 e। डाउन क्वार्क के ऊपर माइनस के 1/3 e। बोलिए बेटा समझ आ रही है बात? एलसीएम कितना हो गया? 3। 2e माइनस ई माइनस ई कितना आंसर आया? एंड फाइनल आंसर 0। बोलिए आया या नहीं आया? तो बताइए न्यूट्रॉन कितनी क्वार्क से मिलकर बना है? तीन। और उनका फॉर्मेशन क्या है आपके पास में? यू डी डी। क्या है बेटा? यू डी डी। अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो बताइए आपको समझ में आया नहीं आया? हमारा क्वांटाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो है क्यू इज इक्वल टू एन ई। वहां एन क्या रहने वाला है? इंटीजर। क्या रहने वाला है वहां? एन रहने वाला है इंटीजर। आप लोग सब समझ रहे हैं कि Q is equal to NE है और N हमेशा इंटीजर रहेगा। हम लोगों ने लिखवाया आपको लिमिटेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी ये जो क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल है ये कहां जाकर फेल होगा। तो हम लोगों ने देखा कि भैया क्वार्क लेवल इतना छोटा लेवल है जहां जाकर क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल हो जाता है फेल, बोर्ड लेवल में, नीट लेवल में, मेंस लेवल में। इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि बताइए क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल कहां जाकर फेल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको क्वार्क के बारे में बताया कि क्वार्क दो टाइप की हैं, अप एंड डाउन। अप के तीन नाम हैं, डाउन के तीन नाम हैं। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन कितनी क्वार्क से मिलकर बना है? तीन। कौन कौन सी है? डी डी डी। प्रोटोन कितनी क्वार्क से मिलकर बना है? थ्री। अप यू यानी अप अप डी। समझ में आ गई बात? यू यू डी।
और न्यूट्रॉन तीन क्वार्क से मिलकर बना है यूडीडी। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए लिमिटेशन के अंदर, लिखिए एट वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्वार्क लेवल, चार्ज डजंट एग्जिस्ट इन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इन चार्ज डजंट एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ओके, तो बेटा ये है हमारी प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन की लिमिटेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बात। ठीक है, अब उसके नीचे क्वार्क सिस्टम लिखकर ये पूरी कहानी आप अपने कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। क्वार्क सिस्टम क्वार्क किस लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं? अनमोल किस लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं? क्वार्क किसके अंदर मिलेगी? क्वार्क मॉलिक्यूल के अंदर क्या मिलेंगे? एटम। एटम के अंदर कौन मिलेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर क्या मिलेगी? क्वार्क। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और बेटा ध्यान से सुनो बात को, देखो अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगी बात। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर मिलती है क्वार्क, और इस लेवल पर क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल हो जाता है फेल। ठीक है, पूरी कहानी हमने आपको समझा दी कि कैसे कैसे काम होता है। श्रेया क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, पार्थ क्लियर है? आपको क्या नाम है आपका? प्रियांशु। ठीक है, उमंग
ओके बढ़े आगे, जल्दी से करो। ओके ठीक है, देखो बेटा आगे अब क्वांटाइजेशन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स बनेंगी वो हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन क्वांटाइजेशन के ऊपर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है चार्ज के अंदर। ठीक है, Q is equal to NE मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, अब इस पर क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछे जाएंगे ये हमें डिस्कस करना है। सो नंबर वन प्रॉब्लम हमारे पास में ये है, नोट कर लीजिए आप लोग अपनी कॉपी के अंदर, अब इसका आंसर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास में, अब देखो बेटा प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में। देखो फिजिक्स में ना, अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा समय दें, कम से कम 15 से 20 सेकंड आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ें स्टार्टिंग में, और आप समझने की कोशिश करें कि इस लैंग्वेज में हमसे क्या पूछा गया है। अगर आप सही डायरेक्शन में क्वेश्चन को समझ पाए तो आप सही से उसका आंसर बता पाएंगे, बिल्कुल सही तरीके से आप उसका आंसर दे पाएंगे। कैलकुलेट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव फ्रॉम अ कॉपर पैनी। कॉपर पैनी यानी कोई भी तांबे का सिक्का है आपके पास में, कॉपर का कॉइन है आपके पास में, ठीक है, टू लीव इट विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10^-15 कूलम्ब। मतलब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये कॉइन है हमारे पास में, ठीक है, ये कॉइन अभी न्यूट्रल है, मुझे ये बताइएगा, और न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितना उसके अंदर नेगेटिव है उतना ही उसके अंदर क्या है बेटा पॉजिटिव। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितना उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और टोटल बॉडी न्यूट्रल हमारी बनी रहेगी। उसने ये कहा, अब मुझे ये बताइए, उसने ये कहा कि अगर मैंने बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, एन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, समझ में आ रही बात, मतलब मैं बॉडी के अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालूं कि बॉडी के ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाए, प्लस 10^-15 कूलम्ब का चार्ज बॉडी के ऊपर आ जाए, मैं बॉडी के अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालूं कि बॉडी के ऊपर इतना चार्ज आ जाए। पहले तो मुझे ये बताइए, अगर मैं बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज को बाहर निकालूंगा तो बॉडी के अंदर कौन सा चार्ज बचेगा बताइए, पॉजिटिव चार्ज बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा, तो बॉडी के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इतना चार्ज आया तो उसने पूछा कि बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां से बाहर निकाले हैं। तो अभी जस्ट हम क्वांटाइजेशन का रूल पढ़ के आए, क्या है क्वांटाइजेशन का रूल, Q इज इक्वल टू NE, बताइए पढ़ के आए हैं या नहीं आए भाई। Q हमारे पास में है, ठीक है, N का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन हम यहां से बाहर निकाल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं यही हमें बताना है, और स्मॉल E की वैल्यू हम लोगों को पता है, ठीक है, तो बताइए N की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आएगी, यहां से N निकल कर आएगा Q/E। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब बताइए Q की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास में, Q की वैल्यू है अपने पास में 10^-15। बोलिए है या नहीं, और साथ में क्या है हमारे पास में,
वन अपॉन ई है, वन अपॉन ई। वैसे तो ई की हमारे पास में डायरेक्ट वैल्यू होती है, लेकिन वन अपॉन ई को भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे हम वन अपॉन ई को डायरेक्ट? वन अपॉन ई की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है हमारे पास में? 6.25 इंटू 10 की पावर 18, राइट? ओके, सो एन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस के 15, 6.25 इंटू 10 की पावर प्लस 18, सो एन इज इक्वल टू 6.25, ये 10 की पावर प्लस 18 है, ये माइनस के 15 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। क्या आंसर बनेगा हमारे पास में बताइए, बनेगा या नहीं बनेगा? इसका मतलब ये है कि इस कॉइन के अंदर से, यहां से इसके अंदर से इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने पड़ेंगे अगर बॉडी पर इतना पॉजिटिव चार्ज लेकर आना है हम लोगों को। यानी आप ये समझिए कि इस क्वेश्चन से आप दो बातें सीखते हैं, अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालूंगा तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर मैं यहां से पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकालूंगा, कौन से चार्ज को बाहर निकालूंगा तो बताइए बॉडी के अंदर कौन सा चार्ज बचेगा? भैया अगर मैंने पॉजिटिव को बाहर निकाल दिया तो इसके अंदर नेगेटिव बचेगा या नहीं बचेगा? बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर मैं नेगेटिव को बाहर निकालूंगा तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। चार्ज की वैल्यू इतनी है, एन मुझे बताना है कितना होगा, ई की वैल्यू मुझे पता है, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो मैंने बता दिया कि भाई इतना इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा अगर बॉडी पर इतना पॉजिटिव चार्ज लेकर आना है तो। बताइए अब आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया क्लियर, कर लीजिए नोट। मतलब रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है अच्छे तरीके से कि भाई क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। धीरे 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 लेवल ना राइज होता जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, धीरे धीरे लेवल हम लोग राइज करते रहेंगे। तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब समझ गए ना सभी लोग क्या है? क्या मतलब है न्यूट्रल बॉडी का? जितना उसके अंदर पॉजिटिव है उतना ही उसके अंदर नेगेटिव है। अगर नेगेटिव को बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव बचेगा, और अगर पॉजिटिव को बाहर निकालेंगे तो नेगेटिव बचेगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि क्या ये चार्ज पॉसिबल होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आए हैं आप लोगों के, पॉसिबल होगा ना? 10 की पावर 3 आया है बेटा, 10 की पावर जब इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो क्या आंसर बनेगा? 6250 आएगा नहीं, 6250, और 6250 एक इंटीजर होता है। अरे होता है, 10 की पावर 3 का मतलब है 1000, 1000 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 6250 आएगा, यानी कंप्लीट नंबर आएगा, वो एक इंटीजर होता है, तो ये चार्ज पॉसिबल होगा। ठीक है, बोलिए सभी लोगों को समझ में आ गया क्या? अनमोल बोलो समझ आया, बोलिए सर अगर कोई परेशानी होगी तो हमसे क्लियर कर लेना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पूछ लेना मुझसे। बोलो समझ आ गया ये वाला?